स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपको दो सजेस्टेड वीडियोस दिए थे थ्री फेज सिस्टम को लेकर के। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का मैं लिंक अटैच कर दे रहा हूँ। आप प्लीज़ पहले उन दोनों लेक्चर्स को वॉच कीजिएगा, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे आपको नहीं समझ में आने वाला। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी थ्री फेज सिस्टम के ऊपर जो दो वीडियो मैंने दिया था, अगर नहीं वॉच किया तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है। अगर आपका लोड बैलेंस्ड है तो उस दौरान आपका जो न्यूट्रल के अंदर करंट होगा, यानी IA+IB+IC, ये मिल करके जीरो हो जाता है। लेकिन वही अगर आपका लोड अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस लोड में आपका जो न्यूट्रल वायर होता है उसके अंदर कभी भी करंट जीरो नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और उस वीडियो में आपको ये भी समझ में आएगा, अगर आपका स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो आपका जो लाइन करंट होता है ये फेज करंट के बराबर होता है, ऐसा मैंने आपको प्रूफ करवाया था उसमें। और जब का लाइन वोल्टेज होता है ये √3 टाइम फेज वोल्टेज का होता है, खासकर स्टार कनेक्टेड में, और डेल्टा में आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डेल्टा में जो आपका लाइन वोल्टेज होता है ये फेज वोल्टेज के बराबर होगा, और जो आपका लाइन करंट है ये √3 IPH के बराबर होता है। और अगर हम लोग अभी प्रैक्टिकल, यानी हम लोग अपने कॉलोनी की बात करें जहाँ पे थ्री फेज फोर वायर आता है RYB और ये आपका न्यूट्रल, तो अगर हम लोग एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज नापेंगे तो ये आपको 230 वोल्ट मिलेगा, और इसको हम लोग लिखेंगे VYN। ठीक है, एक फेज का है ये वोल्टेज। अगर हम लोग लाइन टू लाइन वोल्टेज नापें, यानी वाई और बी में अगर आप वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा ये 400 वोल्ट के बराबर मिलेगा। यानी 230 को सिंपली √3 से अगर आप गुना कर देते हैं तो ये आपको अप्रोक्स 400 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लाइन वोल्ट और फेज वोल्ट का कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि तीन बल्ब है, एक 40 वाट का, 100 वाट का और 200 वाट का। तो अभी थोड़ा सा हम लोग रेटिंग के ऊपर बात करते हैं। रेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने घर में खुद का बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, आप खुद का अपना बल्ब बना रहे हैं, तो अभी यहाँ पे एक एनालॉगस लेते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन दे रहा है, ठीक है, तो ये बताता है ना आपको कि ये सुबह में एक गोली लेना है, शाम में ये लेना है, ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट डायरेक्शन देता है कैसे आपको मेडिसिन खाना है। तो उसी तरीके से अगर आप अपने घर में बल्ब बना रहे हैं तो जो भी कंज्यूमर आएंगे आपसे वो बल्ब खरीदने के लिए, उनको आपको बताना पड़ेगा ना कि इसको 200 वोल्ट दे करके चलाना है, और जब 200 वोल्ट दे करके आप चलाइएगा तो वहां पे कुछ ना कुछ करंट खींचेगा। करंट मान लेते हैं हम लोग का ये 5 एम्पीयर खींच रहा है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? पावर इक्वल टू VI, यानी कितना, 5 × 10, यानी कि ये 1000 वाट का आपका ये बल्ब बनेगा एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पावर रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, हर एक बल्ब का पावर रेटिंग दिया हुआ है, वोल्टेज रेटिंग नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे खुद से मान के चलते हैं, लेट अस एज्यूम ऑल द बल्ब आर रेटेड फॉर या फिर कहीं एट 230 वोल्ट, यानी 230 वोल्ट के लिए रेटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग बल्ब 1 की बात करें तो बल्ब 1 का क्या हो जाएगा रेटिंग? 40 वाट, 230 वोल्ट। B2 की बात करें तो ये हो जाएगा 100 वाट, 230 वोल्ट। और B3 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 200 वाट, 230 वोल्ट। अब आपको पता है ये आपने एक बल्ब बनाया जिसका ये रेटिंग हो गया, तो भाई बल्ब के अंदर आप क्या कर रहे हैं? फिलामेंट लगा रहे हैं ना, तो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन कुछ नहीं, आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हर एक बल्ब का अपना ही क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी बराबर आपको पता है V² / R होता है। ये फॉर्मूला लगा करके हर एक बल्ब का आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के ऊपर।
तो अगर हम लोग बल्ब वन की बात करें तो बल्ब वन का सबसे कम पावर है, समझ में आया, क्योंकि ये 40 वाट है ना, ये 100 वाट है, ये 200 वाट है, तो तीनों में से सबसे कम किसका पावर हुआ, बल्ब वन का सबसे कम पावर है। तो आप कह सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस होगा सबसे हाई होगा, मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस रिलेशन से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपका इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस हाई होगा और उसके बाद फिर आपका इसका होगा। अगर मैं न्यूमेरिकली समझाऊं, मान लेते हैं ये 10 ओम है समझने के लिए, तो ये आपका 8 ओम होगा और ये मान लेते हैं आपका 5 ओम है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग इसको अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे बोल दिया है कि न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल का जिक्र हुआ, इसका मतलब क्या है, ये हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, सारे बल्ब को हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ नहीं, फिलामेंट को दर्शा रहा है ये, ठीक है। ये मान लेते हैं बल्ब वन है, ये मान लेते हैं बल्ब टू है, ये मान लेते हैं आपका बल्ब थ्री है, और न्यूट्रल वायर तो उसमें ब्रेक हो गया ना, तो न्यूट्रल से तो मतलब है नहीं हम लोग को, उसको भी मैं बता दूंगा कैसे पहले कनेक्ट होता, अगर न्यूट्रल हेल्दी होता तो। इधर से हम लोग का क्या आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, ठीक है, ये मान लेते आर है, ये वाई है और ये बी है। अब आप देखिए हम लोग इस वाले सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं, ये पूरा पूरा सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं। देखिएगा जैसे हम लोग वहां पे लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सिस्टम बनेगा ना, समझ रहे हैं। ये न्यूट्रल था आपका, तो न्यूट्रल को हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये ऊपर में प्लस होगा, और इस रेजिस्टेंस के लिए माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये आपका आर फेज था और ये वाला आपका बी फेज था। तो हम लोग लिख सकते हैं आर, आई मीन वी आर बी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला वोल्टेज, यानी इसको क्या लिखेंगे, वी आर एन लिखेंगे, और ये वाला वोल्टेज हम लोग क्या लिखेंगे, वी बी एन, ठीक है। और अगेन यहाँ पे थोड़ा सा पाउज होइए, ये जो आपका लोड है, ये अनबैलेंस लोड है। क्यों अनबैलेंस लोड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं तीनों बल्ब का जो रेजिस्टेंस है ये अलग अलग होगा, और जब आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे तीनों फेज का अलग अलग है, ये मान लेते आर वन है, आर टू है, आर थ्री, इसका मतलब क्या है, तीनों फेज में करंट अलग अलग आएगा, समझ में आपको, तो ये अनबैलेंस लोड है आपका। तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे लाइन वोल्टेज निकालिए तो क्या मिलेगा आपको, वी आर एन माइनस वी बी एन, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि लाइन वोल्टेज कितना होगा, हम लोगों ने मान रखा है, एज्यूम कर रखा है कि 400 वोल्ट होता है हम लोग का लाइन टू लाइन वोल्टेज प्रैक्टिकल कंडीशन में। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बल्ब क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ भाई, ठीक है, ये दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होगा। ये बल्ब वन कर लीजिए, बल्ब वन है यानी 40 वाट वाला है ये बल्ब, ठीक है, और बल्ब टू है, बल्ब टू हम लोगों ने माना है 100 वाट को, तो ये मान लेते हैं 100 वाट का लगा हुआ है। करंट तो सेम होगा 40 वाट के पास भी और 100 वाट के पास भी, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप, आपका अलग अलग होगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वी इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे अगर वोल्टेज निकालें हम लोग, तो कर लीजिए वी आर एन, ठीक है, यानी इस रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर होगा। उसी तरीके से वी बी एन, यानी इस 100 वाट वाले रेजिस्टेंस के, आई मीन बल्ब के पास कितना वोल्टेज होगा, ये भी होगा आई इंटू आर। दोनों जगह देखिए, यहाँ पे भी आई सेम होगा, यहाँ पे भी आई सेम होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज सर्किट है। लेकिन अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें भाई, तो रेजिस्टेंस जो है इस 100 वाट का, आई मीन 40 वाट का, 40 वाट बल्ब के लिए है ये आपका, 40 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, 40 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, और जिसके पास वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है आपको पता है कि वहां पे ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होता है, या फिर कहिए सबसे ज्यादा ये वोल्टेज अपने पास खींच रहा है, इसका मतलब क्या, ये सबसे पहले फ्यूज होगा आपका, समझ में आया, क्योंकि इसके पास वोल्टेज बहुत अधिक है ना। आपको वोल्टेज का डेफिनेशन के ऊपर मैंने वीडियो दिया था, वोल्टेज क्या होता है, तो आपको वोल्टेज से पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा कंडीशन लेंगे, जैसे आप कंफ्यूज है, आपने इसी को अपने मर्जी से ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग आर वाई को लेकर के चले, आर वाई मतलब क्या, ये आपका आर वन या फिर कहिए 40 वाट का बल्ब हो जाएगा, और इसके साथ फिर ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये B3 बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन अगेन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा इसी के पास ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस का सबसे ज्यादा लार्ज है। उसी तरीके से देखिए
ठीक है। तो अब कोई भी कंडीशन लेगी, क्योंकि हम लोग लाइन टू लाइन देखना होगा ना, तो लाइन टू लाइन के लिए आपको दो बल्ब लेकर के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार R1 ले लीजिए, एक बार R3 ले लीजिए, या फिर कहीं एक बार R1 ले लीजिए, R1 मतलब क्या है, बल्ब 1 की बात हो रही है, ठीक है, या फिर R2 ले लीजिए, मतलब बल्ब 2 को ले लीजिए। उसी तरीके से अगर आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं, B2 और B3 में कंपेयर करेंगे, तो B2 सबसे पहले फ्यूज होगा। क्यों? क्योंकि B2 क्या है, 100 वाट है, 100 वाट का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस 200 वाट वाले रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई जान है नहीं, बस आपको 3 फेज सिस्टम काम कैसे करता है ये समझ में आ गया होगा। तो हमेशा आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आप कभी भी फंसीएगा नहीं, या फिर कहिए आप कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं ना, ठीक है। और आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो आप ट्राई भी नहीं कर सकते हैं, या फिर कहिए इस क्वेश्चन को आप कभी सोच ही नहीं पाइएगा इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी सब आपका जो मेहनत चल रहा है उसको आप कंटिन्यू रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।